देखिए मेरे पीछे कितना बड़ा टी गार्डन है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक टी गार्डन है। देखिए कितना मस्त हम टी गार्डन के बीचों बीच चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। पतली पतली छोटी छोटी सी एक नैरो पैसेज टाइप का बना हुआ है। ये शोर सुन रहे होंगे आप, जो ये शोर है ये वाटरफॉल का है। वाटरफॉल आ चुके हैं आथुकर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मुनार से गुड मॉर्निंग हो रही है आज सुबह की। तो कैसे हैं आप लोग, होप करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा होगा, हम रात को 11 बजे पहुँचे थे, तो लेट हो गई थी मैं पहुँचते। तो हमने यहाँ पे टू रूम लिया था, हमने जहाँ बुक किया था वो बहुत नीचे था, तो फिर हमने वो ड्रॉप कर दिया। अभी एट अ टाइम यहाँ पे हमने चेक इन किया है, फिर ठीक मिल गए दो कमरे, एक बालकनी वाला है एक विदाउट बालकनी है। तो अब यहाँ से निकलेंगे मुनार, आज का पूरा मुनार एक्सप्लोर करने का है। यहाँ पे एक टॉप स्टेशन है करके, जहाँ पे बहुत फेमस बताते हैं क्लाउड्स आते हैं नीचे, वहाँ पे जाना है। उसके बाद हमने टी गार्डन्स वगैरह फोटो पिक्चर्स क्लिक करनी है, फिर वाटरफॉल्स वगैरह वो भी देखने हैं। तो बस आज का ये प्लान है, पूरा दिन आज हम एक्सप्लोर करेंगे। अब बस यहाँ से निकल रहे हैं थोड़ी देर में, और सीधा रात को ही आएंगे वापस होटल पर। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये पूरा मुनार का वो दिख रहा होगा एरिया आपको, टी गार्डन वगैरह। तो देखिए दूर दूर तक टी गार्डन्स वगैरह है, और ये हमारा निमृत है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ये बहुत मस्ती आ रही है इन बच्चों को, इनके तो मज़े आ रहे हैं, और इनके स्कूल भी खुल गए हैं 6 तारीख से। कोशिश करेंगे वापस पहुँचने की टाइम से। बाकी अभी तो 3 जगह और बची है, अभी इससे बाद हम एलईपी जाएंगे, फिर वहाँ से कोवलम जो त्रिवेंद्रम में पड़ता है वहाँ भी जाना है, लास्ट कन्याकुमारी करके वापस इंदौर आ जाएंगे। वहाँ भी एक दिन का स्टे है हमारा रुकने का। कोशिश हमारी ये है कि हो सके तो अगर टाइम लग गया तो वहाँ पे बुआ जी और लड़का है उनका, तो उन खाली टाइम लग गया तो महाकाल वगैरह मंदिर पर भी जाएंगे, जो उज्जैन में पास में ही है 60 किलोमीटर। तो चलिए फिर यहाँ से निकलते हैं और आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। चलिए फिर आधे रास्ते पहुँच चुके हैं टॉप स्टेशन के, जो जहाँ हम जा रहे हैं टॉप स्टेशन, ये मुनार का ये एक सबसे ऊपर टॉप स्टेशन है कहते हैं। वहाँ क्लाउड्स भी नीचे आते हैं, पूरा मुनार दिखता है। हमने रास्ते में थोड़ी फोटोज वगैरह क्लिक कराने के लिए गाड़ी रोकी है। देखिए मेरे पीछे कितना बढ़िया टी गार्डन है, देख रहे होंगे आप, देखो
से पूरा है, ये कितना लंबा टी गार्डन है। टॉप स्टेशन पहुंच गए हैं मुन्नार के। यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना ठंडा मौसम हो रहा है, आप देख रहे होंगे बादल नीचे आ चुके हैं, जैसे हमारे वहाँ हिल स्टेशन में होता है मसूरी वगैरह में। एकदम प्यारा मौसम है, देखिए इतना सेक्सी मौसम हो रहा है। व्यू बहुत अच्छे हैं यहाँ की, लोकेशन आपने अभी देखी होगी हमारी वीडियो में, लोकेशन कितनी अच्छी अच्छी आ रही है, चाय के बगान कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए अब आपको टॉप स्टेशन चल के दिखाते हैं आगे क्या है, यहाँ से क्या क्या दिखता है। चलिए हम ऊपर आ गए हैं टॉप स्टेशन की मार्केट में। छोटी सी एक पटरी सी बना रखी है जहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगा रखे हैं, खाने पीने का सामान बहुत है यहाँ, चॉकलेट्स वगैरह बहुत मिलती है पूरे मुन्नार में, तो वो भी लगी हुई है, बाकी पाइन एप्पल वगैरह ये सब छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। और बढ़िया है, मतलब यहाँ का मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हमें जो फील हम कर पा रहे हैं वो पता नहीं आपको फील हो नहीं पा रहा होगा क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हैं, पर हमें एकदम ठंडा ठंडा और अच्छा फील हो रहा है, जैसे हमारे हिल स्टेशन होते हैं मसूरी के। बाकी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। ये ऊपर छोटा सा उन्होंने बना रखा है देखने के लिए, इसकी भी एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन, बच्चों की नहीं है, चिल्ड्रंस की कोई टिकट्स नहीं है। बाकी ऐसा है कुछ, मेरे पीछे देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, हमारे लिए तो एक आराम बात है क्योंकि हम खुद पहाड़ के रहने वाले हैं उत्तराखंड, और यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि नीचे गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ का जितना टूरिस्ट देख रहे हैं पीछे सारा लोकल है, कोई बाहर से नहीं, सब केरला से ही है, बाहर का टूरिस्ट कोई नहीं है। देखिए मेरे पीछे कितना बड़ा टी गार्डन है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक टी गार्डन है। देखिए कितना मस्त, हम टी गार्डन के बीचों बीच चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। पतली पतली छोटी छोटी सी एक नैरो पैसेज टाइप का बना हुआ है, तो चल रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। देखिए मौसम क्या बेहतरीन हो रहा है, बादल हो रहे हैं एकदम मस्त वाले, एकदम नीचे आ रहे हैं, छू रहे हैं हमारे चेहरे को, तब मस्त मौसम है और ऊपर से इतना अच्छा नज़ारा। देखिए अब ये पूरा चाय बगान है, इसमें पत्ते दिख रहे होंगे आपको, इसके अभी ऊपर से इसमें और पत्ता निकलेगा, इसमें देखिए आप ये जो देख रहे हैं इसके अंदर एक और पत्ता निकलेगा, तो इससे इसके पत्ती चाय पत्ते और उनके बीज में दिखा देता हूँ कैसे बीज है, बीज दिखाना। ये देखो ये आप देख रहे होंगे बीज है कितने सारे, अगर उनको तोड़ा जाए तो इसके अंदर तोड़ के देखिए ऐसा निकलता है, ब्लैक ब्लैक से है, उस ब्लैक के चॉकलेट कलर के हैं, ये देखिए चॉकलेट कलर के है इसके अंदर का, इसके बीज है जो, ये बीज किस काम आते हैं, ये शायद दोबारा शायद इतनी नॉलेज नहीं है हमें, पर शायद इसका बीज का मेरे ख्याल से दोबारा इनको खेती करने का काम आते हैं, दोबारा पौध उगाने के। मौसम इतना अच्छा हो गया कि देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर, आपको दिखाता हूँ पीछे का व्यू,
कुछ दिखना, इतनी भयानक बारिश हो गई है अचानक से, मौसम बदला है और बहुत मज़ा आ रहा है हमें। हम सोच ही रहे थे कि एक बार बारिश मिल जाए मुनार में, देखिए कितना अच्छा मौसम आ रहा है बाहर। आपने वाटरफॉल देखी है, अथुकड़ वाटरफॉल है, ये मुनार से जस्ट 8 किलोमीटर नीचे ही है पहले, और क्या कहते हैं वहीं जा रहे हैं हम अदर पास से देखने के लिए। ये शोर सुन रहे होंगे आप, जो ये शोर है ये वाटरफॉल का है। वाटरफॉल आ चुके हैं अथुकड़, मैं आपको अब दिखाता हूँ पीछे का व्यू, देखिए आप। चोंच से निकला हुआ ना, फ्रेंड्स ये देखिए, ये अजीब सी चीज बनी हुई है चिड़िया टाइप की, रेनबो। अभी विजिट करके आए हैं अथुकड़ वाटरफॉल, आपने देखा होगा अभी शॉर्ट्स में। आज यहाँ पूरे 2 दिन स्ट्राइक है, तो हम तो अपना पोर्टेबल गैस लेके आ रखे थे, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद है। एक पूरी मार्केट जो है, पूरी मार्केट जो है सारी बंद करी हुई है यहाँ पे, 2 दिन का स्ट्राइक रहेगा। तो आज हमें दिन से खाना नहीं मिला था, बड़ी मुश्किल से एक बड़े रेस्टोरेंट में जाना पड़ा, होटल था कोई, वहाँ भी सिर्फ बिरयानी अवेलेबल थी वही खाई, नहीं तो खाना है ही नहीं कहीं भी खाने को। तो हमने फिर डिसाइड किया, यहाँ हम मच्छी लेके आ रखे थे अपने पास बर्फ़ वाले आइस बॉक्स में, तो आज फ़िश बनाएंगे हम। टूना फिश है, टूना फिश ली थी हमने जो समुंदर में पाई जाती है, तो वो फ़िश लेके आए थे हम। तो अभी हम चाय मैगी खा रहे, पहले यहाँ की वादियों को इन्जॉय करते हुए चाय मैगी के बाद फिर फिश बनाएंगे और राइस बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी पिकनिक कर रहे हैं हम, और आपने मेरे पीछे देखा होगा अभी क्या मस्त वो हो रहा है, बर्ड बनी हुई जैसे, ये देखिए आप, आपको दिख रहा होगा एक अजीब सी बर्ड बनी है, ये रेनबो टाइप के कलर्स निकल रहे हैं इसमें, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ लाइफ में ऐसा कुछ। नहीं तो नॉर्मली रेनबो एक तरफ स्टार्ट होता है दूसरी तरफ ख़त्म होता है, पर यहाँ पे अजीब सा ही है, ये चिड़िया टाइप का रूप ले रखा है और बहुत अच्छा है। और मैं आपको रोड पार करके दिखा देता हूँ, पीछे का जो आपको वाटरफॉल दिख रही होगी वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से वाटरफॉल जहाँ गए थे हम पूरा क्लियर दिख रहा है, देखिए आप, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये जो है वाटरफॉल दिख रही है पूरी क्लियर है, यहीं से आए अभी हम। तो अभी हम यहाँ चल लिए कुछ इन्जॉय करते हैं, फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। ज़्यादा प्लान कुछ नहीं है, हमने सारे लगभग फ़ोटोज़ वगैरह पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा लिए, और ज़्यादा यहाँ पे प्लेसेस हैं नहीं इतनी, वाटरफॉल भी विजिट कर लिए। तो बस अब यहाँ से हम निकलेंगे अपने रूम पे थोड़ी देर में इन्जॉय करके, और सुबह के लिए हमें निकलना है जल्दी एलईपी के लिए, तो कल हमारा स्टे एलईपी में होगा। और बाकी आप मेरे पीछे की सीनरी देखिए, कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं दिख रहे होंगे आपको, और ये जस्ट बगल में चाय पत्ती का बागान है, टी गार्डन। चलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत इन्जॉयबल रहा है, हमने बहुत मज़े किए आज, आज मुनार एक्सप्लोर करा है हमने काफ़ी अच्छी तरह, और बाकी कल एलईपी का प्लान है। एलईपी में हम सिर्फ कल के दिन ही रुकेंगे, कल बाय 12 या 1 o'clock तक पहुँच जाएंगे, और फिर वहाँ पहुँच के फिर हम तुरंत निकल जाएंगे बोटिंग के लिए, जो हाउस बोट की जगह तरह की दूसरी छोटी बोट्स होती हैं वो एक हम बोटिंग करेंगे, और उसके बाद वहाँ से सीधा बीच पे निकल जाएंगे, एक दो जगह और है घूमने की, घूम के फिर अगले दिन हम यहाँ से सीधा कोवलम जाएंगे परसों। एलईपी में सिर्फ हमारा एक ही नाइट स्टे का है, उसके बाद हम कोवलम में 2 नाइट स्टे करेंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से फिर कन्याकुमारी से फिर रिटर्न जर्नी शुरू करेंगे हम। होप करता है आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। वैसे चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। हम होटल वापस आ गए हैं, आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि आज हमने मुनार काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया है। जैसे आपने वीडियो में देखा, स्टार्टिंग हमने टॉप पॉइंट पे भी की, टॉप पॉइंट भी बहुत अच्छा था, फिर टी गार्डन्स तो अपने आप में है ही अच्छे, वहाँ की सुंदरता तो बयान ही नहीं कर सकते। आप वीडियो में देख रहे होंगे, लाइव आके देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा आपको,
और मौसम के तो क्या ही कहने, बीच में आपने देखो बारिश भी हुई है, तो मौसम और बारिश मिलके बहुत अच्छा मतलब हमारा दिन बना दिया। तो बाकी कुछ खास नहीं है, बस कल का हम यहाँ से सुबह सुबह निकल जाएंगे अर्ली मॉर्निंग, जल्दी कोशिश है 7 बजे निकलने की, या ज़्यादा 8 बज जाएंगे तो यहाँ से निकलेंगे LEP के लिए। फिर वहाँ चल के आपको अगले ब्लॉग में दिखेगा। तो अगर ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, और कमेंट भी जरूर करके बताइए कि कैसा लग रहा हमारा ये ब्लॉग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ब्लॉग बनाने के लिए। चलो फिर ठीक है, गुड बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।